तुरंत अटेंड करके, इवन फ़ोन पे नंबर्स लग जाते हैं और आपको टाइमिंग वो बता दिया जाता है और मैम लोग भी लगी रहती हैं। हॉल नंबर 3 में तो मैं देखता हूँ कि एक एक पेशेंट का नाम 20-20 बार, मतलब हर छोटा बड़ा इशू वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। इवन अभी मैं बाहर बैठा हुआ था तो यहाँ पे भी आने से पहले एक छोटा सा फीडबैक वहाँ पे लिया जाता है ताकि ये लोग आपको डायरेक्ट कन्वे कर सकें। और आपके आने के बाद तो मैम लगता है जैसे एकदम एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, आप जैसे वहाँ प्रॉप जैसे ही आप पकड़ती हैं, एक एक मिनट वाइफ तो मेरी, मैं परसों वाइफ को PGI क्रॉस चेक के लिए लेके गया था, वो वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो गई थोड़ी सी। और यहाँ पे हम लोग बैठे रहे काफ़ी टाइम बैठे, आप नहीं आई थी शायद, आप आई थी तो नीचे वो राउंड वगैरह पे थी, बट वाइफ बोली कि टेंशन ना लो मैम, जैसे आएंगे एक एक मिनट में यूँ सब सबका क्लियर हो जाएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ भी कि जैसे ही आप आई तुरंत वहाँ पे नाम मेरा जो है कॉल किया गया वाइफ का और मैं आया, और जैसा मैंने सोचा था, जो मैं चाहता था, सीधे आपने तुरंत उन लोगों को डिक्टेट किया और मेरा प्रोसेस वहाँ पे शुरू हो गया। तो मुझे आए हुए 24 घंटे हुए अभी और मैं अब जा रहा हूँ घर, और हैप्पीली जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो क्योर हो गई है और मैं फिर आऊँगा अपने नेक्स्ट बच्चे के बर्थ के टाइम। आपसे फीडबैक फॉर्म में पूछा गया, मुझसे फीडबैक फॉर्म में पूछा गया था कि आपने अजंता हॉस्पिटल क्यों चुना। तो यहाँ पे आँख मूंद के मुझे इस हॉस्पिटल पे विश्वास है, और मैं और मेरे साथ मेरे ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़, मेरे सारे रिलेटिव्स, मैं यहाँ पे हर तरह का पेशेंट लेकर के आया हूँ, CGHS, ECHS, आउटर पेशेंट।